हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको आज बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ, जो सभी भारतीय वासियों को यह जानकारी जरूरी जाननी चाहिए। मेरठ प्रवेश के लिए नौ द्वार, यानी मेरठ में दाखिले के लिए नौ द्वार गेट हुआ करते थे। लिसाड़ी गेट, सोराब गेट, चमार दरवाज़ा, बागपत गेट, खैरनगर गेट। लेकिन 1857 ईस्वी में गदर के दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने नष्ट कर दिए। 1857 ईस्वी की क्रांति ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहम और बड़ी घटना थी। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। ब्रिटिश कंपनी से यानी अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में योगदान दिया और अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। उन वीरों ने अपने भारत के लिए, अपनी नस्ल के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन बहादुरों के नाम जैसे कि बिजनौर से मोहम्मद खान, मुरादाबाद से अब्दुल अली खान, बरेली से खान बहादुर खान, मंदसौर से फिरोज शाह, इलाहाबाद से बनारस यानी इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला व अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद के रूप में विद्रोह घोषित कर दिया। आप देखते हो कि मौलाना अगर फतवा दे दे तो सब उनकी एक आवाज़ पर सब मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। फरुखाबाद से तुफैल हसन खान, असम से मनीराम उड़ीसा, राजा प्रताप सिंह, राजस्थान से गजाधर सिंह, गोरखपुर से सेवी सिंह, कदम सिंह, बिहार से कुंवर सिंह, अमर सिंह, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली दिल्ली से बहादुर शाह, हकीम एहसानुल्लाह, लखनऊ से बेगम हजरत महल। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को जरूर दबाना। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होंगे कि हर गांव, शहर, कस्बे में कुछ ना कुछ नया होता है, नया आविष्कार होता है, जिससे कि दूर के बंदे उसके देखने के लिए आते हैं। अगर आपके कोई गांव या शहर में कुछ अजीब या रोचक तथ्य कुछ ऐसा हो तो हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके आसपास क्या है ऐसी चीज़ जो बंदे दूर से देखने के लिए आते हैं। और दोस्तों, अक्सर आपने देखा भी हो ड्रिलिस अर्तुरुल की ड्रामा सीरियल में कि जो हल्ब शहर है या और भी वादी हैं, जो शहर थे उनके चारों तरफ गेट होते हैं। किसी में एक गेट, किसी में दो, किसी में चार गेट होते हैं, जिससे कि कोई भी दूसरा राजा हमला ना करे। और आपने जो देखा है ये लखौरी ईंट, छोटी छोटी ईंट होती हैं, ये अब नहीं बनती, काफ़ी पुरानी ईंट है ये, जो पहले छोटी छोटी ईंट बना करती थी। और पहले की तो दीवार भी ऐसी काफ़ी चौड़ी हुआ करती थी। आपने सुना होगा, किताब में पढ़ा होगा कि अकबर बादशाह दो आदमियों को यानी कि बगल में दबाकर इधर भी इधर दीवार पे भागा चला जाया करता था, क्योंकि वो अक्सर दीवार काफ़ी चौड़ी हुआ करती थी। अब की नहीं, जैसे कि अब बनाते हैं 4 इंच, 9 इंच, 14 इंच, वो काफ़ी चौड़ी होकर करती थी। 18 इंच, 24, 24 से भी ज़्यादा हुआ करती थी, जिससे कि आदमी उन पर भागा चला जाए आराम से। और बड़ी मजबूती के साथ बनाई जाती थी। पहले के इंसान भी ताकतवर और मजबूत हैं, पहले की दीवार भी ले लो, मकान दुकान भी ले लो, सभी कुछ मजबूत हुआ करती थी। आप देख लो, लकड़ी भी ये कितनी मोटी है, 4-5 इंच यानी कि 4 इंच के करीब ये कील सी गड़ी हुई है। जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर पहले हाथियों से, हाथी घोड़ों से गेट को तोड़ा जाया करता था। अब ये कील सिर्फ इसी लिए लगाई जाती थी पहले, जिससे कि हाथी गेट को तोड़े और हाथी के वो चुभ जाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगली वीडियो आ गई है, अगली वीडियो को भी देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से। आपका दिल से शुक्रिया दोस्त, आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा। आपका दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।